दोस्तों, पपीता अपने आप में ही बहुत ज़्यादा पौष्टिक सब्जी होती है। इसे आप कच्चा या पक्का जिस भी तरीके से खाएं, ये हमेशा फ़ायदेमंद ही साबित होती है। तो आज मैं आपको कच्चे पपीते की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बना के शेयर करने जा रही हूँ। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं पपीते की बहुत ही मज़ेदार चटपटी सी सब्जी। तो दोस्तों, वीडियो कर दीजिए भी लाइक, क्योंकि पक्का बाद में आप लोग भूल जाते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देर नहीं करते और फटाफट से सब्जी बनाना शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, कच्चा पपीता की सब्ज़ी बनाने के लिए यहाँ पे हम लिए हैं ये एक कच्चा पपीता, और ये पूरी तरीके से कच्चा है। और आज जिस तरह की सब्ज़ी हम बनाने वाले हैं उसके लिए हमें पूरी तरह से कच्चे पपीते की ही ज़रूरत है। तो ये हम कच्चा पपीता लिए हैं, तो चलिए इसको अब हम काट लेते हैं। तो सबसे पहले पपीते का ये वाला डंठल वाला भाग हम काट के निकाल लेंगे। इसे हम निकाल लेंगे और फिर पपीते को अच्छी तरह से छील लेते हैं। तो देखिए, पपीते के हम छिलके उतार लेंगे। तो पपीते के छिलके देखिए एकदम अच्छी तरीके से उतारेंगे। इसमें हरा वाला भाग, इसका हरा वाला भाग इसमें नहीं रहने देंगे। चलिए इसको खूब अच्छे से पहले छील लेते हैं। और यहाँ पे बता दें दोस्तों, बहुत सारे लोगों को हल्का पका हुआ पपीता की सब्ज़ी अच्छी लगती है। तो ये जो मैं रेसिपी बना रही हूँ इसके लिए एकदम से आप कच्चे पपीते लेंगे तो वो ठीक रहेगा। और बाकी और भी तरीके से पपीते की सब्ज़ी बनाई जाती है, तो उसमें आप हल्का पका हुआ पपीता ले सकते हैं, तो उससे सब्ज़ी अच्छी लगती है। हल्का पका हुआ पपीता से क्या होता है कि थोड़ा सा सब्ज़ी में मिठास आ जाती है। तो ये देख रहे हैं, ये जो हरा हरा भाग दिख रहा है ना, तो ये वाले हरे भाग हम एकदम से निकाल लेंगे। देखिए, ऐसे पपीते में हरा भाग नहीं रहने देंगे ऐसे। तो चलिए इसको छील के फटाफट से हम तैयार कर लेते हैं। तो देखिए, पपीते को हमने पूरी तरीके से छील लिए हैं। तो ये इसका इतना छिलका निकला है, तो इसको रख देते हैं साइड में। और पपीते के हम कर लेते हैं टुकड़े। तो पपीते को पहले देखिए इस तरह से हम बीच से काटेंगे। पहले तो इस पपीते के देखिए हम करेंगे चार पीस इस तरह के, बीच से पीसेस में बांट लेंगे ना, तो इसके जो बीच का ये भाग है उसको निकालने में आसानी होगी। ये देखिए, ये ख़राब नहीं है, ये पपीते का ही दूध है, तो इसको हम निकाल लेंगे चाकू की सहायता से। ये देखिए, ये देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, सभी पपीते को हमने छील के और अच्छे से वॉश कर लिए हैं। इसके अंदर का पार्ट जो है देखिए निकाल लिए हैं, ये साफ़ हो गया है। तो चलिए फटाफट अभी से हम ग्रेट कर लेते हैं। तो इसको करते हैं साइड में, और यहाँ पे लिए हैं एक बर्तन और उस पर रखेंगे देखिए ये ग्रेटर। तो एक तरफ पतला वाला और एक तरफ मोटा वाला है, तो इसे पतले वाले से हम ग्रेट करेंगे। इसको चलिए पतले वाले से हम इस तरह से ग्रेट कर लेते हैं। इसको इस तरह से दबा के रखेंगे और फिर इसे हम ग्रेट करेंगे। तो देखिए इस तरह से हम जो है ये देख रहे हैं, इस तरह से पूरे पपीते को हम चलिए फटाफट से ग्रेट कर लें। तो देखिए फ्रेंड्स, सभी जो है हमने पपीते को कद्दूकस कर लिए हैं। ये देखिए ये कद्दूकस कर लें। तो देखिए, ये इतने पपीते हो गए हैं। तो आगे ये आधा चम्मच नमक और नमक डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे पूरे पपीते में, इसे खूब अच्छे से मिक्स कर देंगे हम। तो अब इसको हम क्या करेंगे, ढक्कन से ऐसे ढक के इसको 10 मिनट के लिए हम रख देंगे। तो जब तक पपीता हम 10 मिनट के लिए रखे हैं, तब तक हम ये टमाटर, प्याज, धनिया, अदरक, लहसुन और मिर्च इन सबको जो है काट के फटाफट से तैयार कर लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स देखिए, लगभग 10 मिनट हो गया है पपीते को। तो देखिए, इसमें से अब पानी पपीते ने काफ़ी छोड़ दिया है। तो अब पपीते को क्या करेंगे कि हम इसको निचोड़ के इसका पानी निकाल लेंगे। ये देख रहे हैं, इसने काफ़ी पानी है। तो इसको हम इस तरह से लेंगे और इसको बगल में करेंगे, और यहाँ पे कटोरी लेंगे और इसमें का जो पानी है कि ये देखिए, इस तरह से पपीते का पानी सब हम निचोड़ लेंगे। देखिए, तो चलिए इसे दोनों हाथों की सहायता से इसका पूरा पानी हम निचोड़ लेते हैं। ये देखिए, देख रहे हैं, इससे क्या होगा कि इससे जो हमारे पपीते हैं, ये जो हमारे पपीते हैं ये थोड़ा नरम हो गए हैं नमक डालने से, और इसका पानी एक्स्ट्रा जो है निकल गया है। तो इस तरह से जब इसके हम कोफ्ते बनाएंगे तो ये बहुत जल्दी से अंदर तक सिकेंगे। तो ये हम पानी इसका निकाल के और इसको हम पानी निकाल के इसको हम एक अलग बर्तन में रख देंगे। चलिए इसी तरह से सभी पपीते का हम पानी निकाल के
देखिए इस तरह से, तो देखिए दोस्तों इतना पानी जो है पपीते का निकल गया है। तो इसे हम फेंकेंगे नहीं, इसे हम रख देंगे, तो इसे हम इसकी ग्रेवी में यूज़ करेंगे। तो इसको चलिए साइड में रख देते हैं, और ये जो हमने पपीते के जो पानी से हम निकाल लिए हैं तो इसको तोड़ लेते हैं। और चलिए अब इसमें हम कुछ मसाले ऐड करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम देखिए डालेंगे, ये हमने दो बारीक कटे हुए मिर्च, इसको हमने बारीक काट लिए हैं। और ये हमने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिए हैं, और इसको हमने एकदम से महीन महीन कट कर लिए हैं। ये हम डाल देते हैं, ये सारा प्याज हम इसमें डाल देंगे। और फिर ये देखिए, ये हमने अदरक और लहसुन को पीस लिए हैं, तो ये अदरक और लहसुन को डाल देते हैं। और इधर हमने ढेर सारा कटा हुआ हरा धनिया लिए हैं, तो ये कटा हुआ हरा धनिया इसमें डाल देते हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर, गरम मसाला, एक छोटा चम्मच अजवाइन, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, और ये स्वाद के अनुसार नमक। नमक डाल के इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको हम हाथ से अच्छे से हम पहले मिक्स कर लेते हैं। मसाले जो है पूरे पपीते में मिक्स हो गए हैं, तो अब इसमें हम डालेंगे बेसन। तो अब इसमें हम डालेंगे ये बेसन, तो बेसन हम एक साथ नहीं डालेंगे, ये हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। और बेसन हमें एक साथ डालना भी नहीं है, जब भी हम किसी चीज़ का कोफ्ता बनाते हैं तो उसमें बेसन हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, और फिर उसे मिक्स करते जाएंगे, और फिर जैसे जैसे इसकी आवश्यकता पड़ती जाएगी उस हिसाब से हम बेसन डालते जाएंगे। एक बार में ज़्यादा बेसन कोफ्ते में डाल देने से क्या होता है कि जब हम इसे कोफ्ते बनाते हैं और बेसन की मात्रा जब अधिक होती है तो इसे पकाते हैं तो अंदर से ये कच्चे रह जाते हैं। इसलिए जब भी कोफ्ते बनाएं तो उसमें बेसन की मात्रा केवल बाइंडिंग तक ही रखें, यानी जब हमारा ये इसकी बाइंडिंग होने लगे बस इतना ही बेसन की मात्रा रखें, इससे अधिक बेसन की मात्रा ना रखें। तो चलिए इसको खूब अच्छे से मिलाते हैं। तो देखिए इसमें जो हम प्याज डाले थे, नमक डाले थे, उस वजह से देखिए ये पानी रिलीज करने लगा है। तो अभी इसमें अभी और बेसन चाहिए क्योंकि इसकी बाइंडिंग अभी नहीं हो रही है। तो इसमें हम ये 2-3 चम्मच बेसन और डाल दे रहे हैं। अब इसको मिक्स करते हैं। तो देखिए ये कितना अच्छे से जो है देखिए मिक्स हो गया है बेसन, और देखिए इसकी बाइंडिंग भी बहुत अच्छे से हो रही है। देखिए ये देखिए ये देख रहे हैं, ये कितना अच्छा सा जो है ये हमारा कोफ्ता बनके तैयार है। तो चलिए इस तरह के सभी कोफ्ते हम पहले बना लेते हैं। बना के हम एक थाली में सब इस तरह से इस तरह से तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने पपीते के इतने कोफ्ते बना के सब तैयार कर लिए हैं। तो चलिए इसे फटाफट सब हम फ्राई करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले कोफ्ते के साथ खाने के लिए यहाँ हम रख देते हैं एक तरफ चावल बनने के लिए। कोफ्ते चावल के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। कोई भी चीज़ का कोफ्ता आप बनाइए और उसको चावल के साथ खाने में वो बहुत टेस्टी लगता है। तो मैं एक तरफ रख दे रही हूँ चावल पकने के लिए, तो एक तरफ इधर चावल पकेगा और दूसरी तरफ हम अपना कोफ्ता बनाएंगे। तो ये चावल हमने रख दिए हैं एक साइड में पकने के लिए, और एक साइड अब हम बनाएंगे कोफ्ता। तो ये दूसरी तरफ हम रख दिए हैं कढ़ाई, और इसमें हम डालेंगे सरसों का तेल। इसमें हम पहले कोफ्ते को फ्राई करेंगे, तो बहुत ज़्यादा तेल नहीं डालेंगे क्योंकि कोफ्ते बहुत ज़्यादा तेल एब्जर्ब नहीं करते हैं। तो हमने इतना सरसों का तेल डाल दिए हैं, और तेल को अच्छा सा गर्म हो जाने देते हैं। गर्म हो गया है तो इसमें हम एक एक करके कोफ्ते डालेंगे।
और कोफ्ते को मीडियम आंच पे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए कोफ्ते एक साइड से थोड़ा ये सीख गए हैं, तो इसे अब हम पलट लेंगे। तो कोफ्ते जब एक साइड से सीख जाएं तभी इन्हें पलटें और संभालते हुए पलटें, नहीं तो कोफ्ते टूट जाएंगे। देखिए तो देखिए फ्रेंड्स कोफ्ता जो है एकदम बढ़िया से गोल्डन फ्राई हो गया है। तो अब इसे हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। तो ये हम एक थाली लिए हैं और इसमें हम सभी कोफ्ते निकाल लेते हैं। तो बाकी के बचे हुए कोफ्ते भी इसमें हम फ्राई कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स सभी कोफ्ते फ्राई हो गए हैं, तो अब हम सभी कोफ्ते को निकाल देते हैं और चलते हैं ग्रेवी बनाने। तो यहाँ पे देखिए ये तेल जो है थोड़ा सा ज़्यादा है ग्रेवी बनाने के लिए, तो हम इस तेल को भी कम कर देंगे। तो तेल को हम करते हैं थोड़ा सा कम और हमारा एक तरफ चावल भी जो था वो पक गया है, तो ये तेल हम एक कटोरी में निकाल ले रहे हैं। ठीक है, मैंने पहले ही कहा था कि कोफ्ते बहुत ज़्यादा तेल एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, तो बहुत ज़्यादा तेल हम नहीं डालेंगे। तो देखिए इतना तेल बच गया, तो इसको हम रख देते हैं, इसे बाद में हम सब्ज़ी में यूज कर लेंगे। और बता दें कोफ्ते जो हमने फ्राई किए हैं वो बहुत ही अच्छे एकदम मीडियम आंच पे फ्राई करेंगे, नहीं तो फिर देखिए ऊपर से सीख जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा। मीडियम आंच पे इसको सेकेंगे तो ये अंदर से भी अच्छे से पक जाएगा और ऊपर से कुरकुरा। तो ये बहुत अच्छे से कोफ्ते हो गए हैं फ्राई, इसको रखते हैं और चलिए फटाफट से ग्रेवी बनाते हैं। तो ग्रेवी बनाने के यहाँ पे देखिए लिए हैं ये हम 2-3 तेज़पत्ता, एक बड़ी इलायची इसको हम तोड़ लिए हैं, ये 2 टुकड़ा दालचीनी और यहाँ पे देखिए ये हम लिए हैं 2-3 लौंग और ये 4-6 काली मिर्च। तो सबसे पहले ये डाल देते हैं हम। एक छोटा चम्मच डालेंगे जीरा, तो देखिए जीरा चटक गया है। तो अब इसमें हम डालेंगे ये एक हमने मीडियम साइज के प्याज लिए हैं और इसको महीन महीन काट लिए हैं, तो ये हम इसमें प्याज डाल देंगे। प्याज डाल के इसको हम ब्राउन होने तक भूनते हैं। तो देखिए प्याज का कलर चेंज हो गया है, देख रहे हैं प्याज का कलर चेंज हो गया है। तो अब इसमें हम डाल देंगे ये हमने अदरक और लहसुन पीस रखे हैं, तो ये डाल देते हैं और डाल के अदरक और लहसुन का कच्चापन निकल जाने तक इसको हम भूनते हैं। तो अदरक लहसुन भून रहा है तब तक मैं इसका जो है मसाला तैयार कर लेती हूँ। तो ये हमने लिए हैं 1 बड़ा चम्मच धनिया, ये गरम मसाला, हल्दी पाउडर और ये 1/2 चम्मच के लगभग लाल मिर्च पाउडर। इसमें डाल देते हैं पानी, तो देखिए अदरक लहसुन भी भून गया है। तो अब इसमें हम डाल देंगे ये जो हमने मसाले घोल रखे हैं, तो ये मसाले डाल देते हैं और डाल के इसको पकाते हैं। मसाले को धीमी आंच रखेंगे हम। तो चलिए धीमी आंच पे मसाले को हम पका लेते हैं, तो इसे ढक देते हैं। चलिए फ्रेंड्स मसाला चेक कर लेते हैं। तो देखिए मसाला भून गया है और मसालों से देखिए तेल अलग होने लगा है। तो अब इसमें हम डाल देंगे ये हमने 2-3 टमाटर पीस लिए हैं, ये पीसे हुए टमाटर डाल देते हैं और इसमें जो लगा है इसमें पानी डाल के इसमें डाल देंगे। तो इसमें हम ये जो पपीते वाला पानी है वही पानी हम इसमें डाल के इसको धुल के हम डाल देते हैं इसमें। और जैसे ही हम टमाटर डालेंगे तुरंत हम इसमें डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक, ये स्वाद के अनुसार हम डाल देते हैं नमक और ढक के धीमी आंच पे हम टमाटर को भी पका लेते हैं। तो फ्रेंड्स 3 से 4 मिनट हो गया है टमाटर को पकते हुए और देखिए इधर टमाटर से भी तेल अलग होने लगा है। तो मसाला और टमाटर अच्छे से पक गए हैं। इस तरह से देखिए चम्मच से उठा के हम देखते हैं मसाला जो है अच्छे से पक गया है, ये अलग होने लगा है तेल से। तो अब इसमें हम डालेंगे पानी, तो ग्रेवी के अनुसार पानी डालेंगे जिस तरह से हमको ग्रेवी रखनी है। और हमने जो पपीते का पानी बचा रखे थे वो भी इसमें डाल देंगे और ध्यान रखें पानी की मात्रा सही रखें, क्योंकि हम कोफ्ते बना रहे हैं तो कोफ्ते भी पानी एब्जॉर्ब करते हैं, तो उस हिसाब से हम पानी
डाल देंगे। तो पानी हमने डाल दिया, चलिए अब इसको ढक देते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स ग्रेवी चेक कर लेते हैं। तो देखिए ग्रेवी को पकते लगभग 5 मिनट हो गया है। तो अब इसमें हम ये जो हमने कोफ्ते फ्राई किए हैं ये कोफ्ते डाल देंगे, और कोफ्ते डाल के इसे 2 मिनट और पकाएंगे। बता दें ये बेसन इसमें है तो ये ग्रेवी बहुत जल्दी गाढ़ी हो जाएगी, तो बहुत ज़्यादा देर तक हमें कोफ्ते डाल के पकाना नहीं है, मात्र इसे 2 मिनट तक हम और पकने देंगे। उसके बाद हम इसे आँच से उतार लेंगे, क्योंकि हमें चावल से साथ खानी है तो चावल के साथ ग्रेवी थोड़ी पतली रहेगी तभी अच्छा लगेगा। तो चलिए इसको हम ढक देते हैं, ऊपर से डाल देते हैं कटा हुआ हरा धनिया डाल के, और 2 मिनट के लिए और ढक देंगे। 2 मिनट के लिए से और ढक देते हैं। तो ग्रेवी को पकते लगभग 2 मिनट हो गया है। तो देखिए अब हम इसे चेक कर लेते हैं, और ये देखिए हमारी ग्रेवी हो गई एकदम गाढ़ी। तो अब हम आँच का फ्लेम कर देंगे बंद, और अब चलिए आपको हम सर्व करके भी दिखाते हैं। अगर हमने तो फ्रेंड देखिए ये चावल हमारा बनके तैयार हो गया था, तो ये हमने चावल ले लिए हैं, और इसमें हम निकालते हैं ये पपीते की कोफ्ता करी। तो ये देखिए देख रहे हैं ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लजीज बना है। तो उम्मीद है आपको ये रेसिपी हमारी ज़रूर पसंद आई होगी। और हाँ दोस्तों, आपको हमारी रेसिपी कैसी लगती है आप हमें कमेंट करके बताइए। तो रेसिपी पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे फिर एक नए वीडियो में।